हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश शर्मा सर, आप लोग देख रहे हैं प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र और चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और उसके अंदर जो कंसेप्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक बड़े बड़े फोर व्हीलर ट्रक, ठीक है, इस तरीके के बड़े व्हीकल जो होते हैं, उस व्हीकल के अंदर ड्राइवर के नीचे जहाँ पैर रखने की जगह होती है वहाँ ब्रेक होता है। ठीक है, वो ब्रेक पैर तो आपने देखा होगा शायद से, इस तरीके का होता है, इस पे पैर रखा तो ये प्रेस हो जाता है। तो ये प्रेस होने से क्या हो जाता है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जैसे ही यहाँ ब्रेक लगाता हूँ तो ये यहाँ जो फ्लूइड होता है, ऑयल वगैरह जो भी है, ठीक है, ये क्या होता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, जहाँ इसके चार व्हीकल्स होते हैं, जो पहिए जो होते गाड़ी के, वहाँ तक ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। मतलब ये फ्लूइड क्या आता है, वहाँ तक फ्लोइंग स्टेट में आ जाता है। तो स्लेव सिलेंडर नाम तो सुना होगा, स्लेव सिलेंडर क्या होता है, ये ब्रेक को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो दो तरीके के सिलेंडर होते हैं, एक मास्टर सिलेंडर होता है, एक स्लेव सिलेंडर होता है। मास्टर सिलेंडर क्या करता है, नॉन हाइड्रोलिक प्रेशर का कन्वर्जन ये करता है हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर। ठीक है, और स्लेव सिलेंडर इज द लोकेटेड एट द अदर एंड ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो पार्ट होता है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ब्रेक लगाया तो ये ब्रेक लगाने से क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और यहाँ का जो एरिया ए टू और यहाँ का जो एरिया ए टू। तो हमने पास्कल्स लॉ की स्टडी की थी, पास्कल ने कहा था कि सिस्टम के अंदर कहीं पे भी प्रेशर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, यूनिट डिमिनिश रहेगा। ठीक है, और वो प्रेशर क्या होगा, कन्वर्ट होगा, जितना है शुरुआत में उतना ही रहेगा और बॉडी के किसी भी पार्ट में सेम प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो हम जो लास्ट स्टडी की थी हाइड्रोलिक लिफ्ट की, बस वही उसके बेस पे स्टडी कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है बेटा, यहाँ ब्रेक लगाने से क्या हो जाता है, ये चारों तरफ से क्या हो जाता है, उस व्हीकल्स को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। कोई फास्ट मूविंग कार है या ट्रक है तो उसे क्या करता है, ये ब्रेक लगा के तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, या फिर स्टॉप कर लेते हैं। ये यूज क्या होता है, स्लो डाउन या फिर स्टॉप व्हीकल इन मोशन। जो व्हीकल्स स्पीड में है, मोशन में है, कई स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं तब आप लोगों को ब्रेक लगाने पड़ते हैं। ठीक है, वहाँ काम में आता है। इट इज बेस्ड ऑन पास्कल लॉ या फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट की जो स्टडी की थी उस पर ये बेस करेगा। यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए टू, ये मैक्सिमम है कम्पेयर टू ए वन। अब एफ टू और एफ के बारे में बात करेंगे तो प्रेशर तो यहाँ जो रहेगा पी टू सब कुछ क्या रहेगा बेटा, सेम ही तो रहेगा। ए टू ये ए टू, ठीक है, यहाँ का जो प्रेशर है फोर्स अपॉन क्या बेटा, एरिया। तो बस वही एक्सप्लेनेशन है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। पहला क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जब मैंने प्रेशर लगाया तो क्या रहेगा बेटा, फोर्स एफ वन बाय ए वन। ठीक है, जब मैं सेकंड एरिया पे जब लगाता हूँ तो एफ टू बाय ए टू। अब मैं क्या कर लेता हूँ, प्रेशर मल्टीपल बाय ए टू इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, एफ टू। अब मुझे बताओ पी की वैल्यू क्या है, एफ वन बाय ए वन। ठीक है, सेम अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था बस वही है हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ए टू ए वन यहाँ ले लेता हूँ, मतलब एफ वन इंटू ए टू बाय ए वन इज इक्वल टू क्या रहेगा, एफ टू। तो मुझे जो रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट क्या है बेटा, ये रिजल्ट ऐसा है कि एफ टू इज इक्वल टू एफ वन मल्टीपल बाय ए टू बाय ए वन। तो यही मीनिंग हुआ कि एफ वन जो है मिनिमम फोर्स है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेशियो से मल्टीपल होके जो रिजल्ट मिला है वो एफ टू रहेगा। या मिनिमम फोर्स अप्लाई करके इतनी बड़ी व्हीकल्स को आप कुछ सेकंड्स में आप क्या कर सकते हो, उसे रोक सकते हो या उसकी स्पीड कम कर सकते हो। ठीक है, अब स्लेव सिलेंडर जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं डिवाइसेस, ठीक है, ब्रेक लगाने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।